Good morning, students. Today is your English class. Now, today we will start revision of English subject. आज हम English का revision start करेंगे. जिसमें आपको क्या करना है? Open your English classwork notebook. आपको अपनी notebook open करना है. और मैं जो बता रही हूँ, आपको revision number one डाल के उसमें लिखना है. और उसको अच्छे से learn करना है. So open your classwork notebook. Write down date and day and revision number one. Then question number one. Write a letter to your uncle thanking for gift. ठीक है, आपको आपके अंकल को गिफ्ट के लिए, थैंक्स के लिए आपको एक लेटर लिखना है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको किस तरह से थैंक्स करेंगे, ठीक है, और लेटर को किस तरह से लिखेंगे. तो आपको लेटर को, जो मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन बताया, सबसे पहले वो क्वेश्चन नोट करेंगे. देन उसके बाद हम यहाँ से लेटर स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ एंड तक आपको लेटर कंप्लीट करना है, ठीक है. 6 जनवरी 2021, तो आप यहाँ पर जिस दिन लेटर लिखेंगे उस दिन की डेट डालेंगे. डियर अंकल, थैंक्स फॉर योर लवली गिफ्ट, अ क्रिकेट बैट एंड अ बॉल. व्हाट अ सरप्राइज, यू नो आई लव टू प्ले क्रिकेट. All my friends have liked your gift. यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है. Next Sunday we shall play a match with my new ball and bat. Then नीचे वाली लाइन में फिर आप लिखेंगे यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद, थैंक यू अंकल. देन उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे विथ लव. देन उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे आप अपना नेम. तो इस तरह से रिवीजन नंबर वन डाल के आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है और इसको बाय हार्ट लर्न करना है. बाय हार्ट मतलब इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. और रिवीजन सभी बच्चों को लिखना मोस्ट कंपलसरी है. सभी बच्चे अपनी नोटबुक में जो भी रिवीजन अब आपको रोज़ मिलेंगे वो रिवीजन आपको नोट करना है और उनको लर्न करना है. अगर आपकी नोटबुक फिल हो गई है तो आप न्यू नोटबुक बनाएंगे, या फिर किसी भी आपकी रफ़ नोटबुक में जिसमें पेजेस हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं. बट आपको रिवीजन रिटर्न में लिखना है और साथ में उसको लर्न भी करना है. थैंक यू.